सास बनी सौतन की सहेली। सुलेखा रसोई घर का काम निपटा कर थकी हारी अपने कमरे का रुख कर रही थी, तभी अचानक सोफे पर बैठी सास गोमती बोल पड़ी, अरे ओ महारानी, कहाँ चल दी ठमक ठमक कर? बस कमरे में जा रही हूँ माँ जी, सारा काम खत्म कर दिया है, बर्तन भी मांज दिए और रसोई भी साफ कर दी है। बस तेरी यही बुरी लत मेरी आंखों में खटकती है, बहू रानी जब देखो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने में मदमस्त रहती हैं। रूबी बहू का सर पटा जा रहा है, उसके लिए कड़क कॉफी बनाकर कमरे में दिया। बेचारी बहू भोर की पहली किरण के साथ सारा दिन ससुराल वालों की जी हुजूरी से थक कर चूर होने के बावजूद कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है। कुछ देर बाद कॉफी लेकर कमरे में आती है, जहां उसका पति राजेश उसकी सौतन रूबी की बाहों में लिपटा हुआ था। तभी रूबी उस पर बिगड़ पड़ती है। ओहो, ये क्या बेहूदगी है, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि शादीशुदा कपल के कमरे में नॉक करके जाते हैं? कॉफी रखो और दफा हो। सुलेखा लड़खड़ाते हाथों से कप की ट्रे टेबल पर रखकर भागती हुई अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोते हुए कहती है, भगवान ऐसा बुरा दिन किसी सुहागन के जीवन में ना आए, जब ना चाहते हुए भी उसे एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रहकर अपना सुहाग बांटना पड़े। ऐसा कहते हुए सुलेखा का टूटा मन बीती स्मृतियों में खो जाता है। सुलेखा और राजीव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। राजीव, तुम माँ जी से मेरे बारे में कब बात करोगे? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया है। हाँ सुलेखा, मैं आज ही माँ से हमारी शादी के बारे में बात कर लूंगा। घर आकर राजीव अपनी माँ गोमती के सामने अपनी बात रखता है, तभी गोमती गुस्से से गरजते हुए कहती है, भूसा भर गया है तेरे भेजे में, इसलिए जो जी में आ रहा है बड़बड़ किए जा रहा है। भावनाओं में मत बह मेरे लाल, मैं तेरे लिए उससे बढ़कर बवाल बहू खोज कर लाऊंगी जो भर भर कर दहेज लाए। माँ, आप हमेशा पैसा पैसा क्यों करती रहती हैं? मैं सुलेखा से ही शादी करूंगा बस। राजीव को जिद पर अड़ा देखकर गोमती हार मानकर सुलेखा से उसकी शादी करवा देती है, मगर मन ही मन बहू के लिए साजिश बुनने लगती है। भले ही तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मगर अब तू देखती जा बहुरानी, तेरे मुकद्दर में इतने कांटे बोऊंगी कि उकता कर अपनी गठरी उठाकर मायके दौड़ लगा लेगी। अगली सुबह, क्या हुआ मेरे लाल, लगता है लाडो रानी अब तक उठी नहीं है, इसलिए खाने की मेज सोनी पड़ी है। माँ जी, खाना तो कब का बन गया, बस आपका इंतजार कर रहे थे। आज मेरी पहली रसोई थी ना, देर सवेर से कैसे उठ सकती थी। चलिए चक्कर बताइए, कैसा बना है खाना? शातिर सास खाने का एक निवाला खाते ही अपनी नाटकबाजी का धमाका फोड़ती है। अरी ओ कमबख्त, पूरी मिर्च की बर्नीस पनीर भाजी में ही पलट दिया है क्या, जुबान जला दी। ऐसा खाना खिलाकर सास की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, मुझे नहीं खाना ये सब। सास के ढोंग से पति का मिजाज भी बहू पर बिगड़ जाता है। समय बीतता है, सास बहू को घर से भगाने की कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर बहू सूझबूझ से बात को संभाल लेती। समय ढलता गया, देखते ही देखते 2 साल बीत गए, मगर सास अपनी साजिश में सफल ना हो सकी। सारे जतन करके देख लिए, मगर ये ढीठ मेरे घर से टस से मस नहीं हो रही, सोच गोमती कुछ सोच। रात भर की सोच के बाद अगली सुबह गोमती कहती है, अरे ओ महारानी, जल्दी से हुलिया ठीक करके आ जा, आज डॉक्टर साहब के पास जाना है। जी ठीक है माँ जी। कुछ ही देर में सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां सुलेखा की जांच पड़ताल होती है। टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ ही देर बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? क्या लिखा है रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। बहू के बांझ होने की बात पर सास बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है, जिससे राजेश भी रंजिश से भर जाता है। अरे मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं इस बांझ से दिल लगी कर बैठा और अपने हाथों अपने गले में फंदा डाल लिया। अरे अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला मेरे लाल, अरे अभी कौन सी तेरी जवानी ढल गई है, अपनी माँ की बात मानकर दूसरा घर बसा ले, मेरी नजर में एक भली लड़की है, रूबी नाम है उसका। राजीव अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों की गुत्थी में उलझकर हामी भर देता है। मुझे मंजूर है माँ। शाबाश मेरे लाल, अब देख तेरी माँ कैसे चटमंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा कर अपनी बहू रानी के सीने पर मूंग दलने के लिए सौतन लाती है,
और इस तरह सुलेखा के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद राजेश दूसरी शादी करके रूबी से शादी रचा लेता है। अरे ओ मेरी सौतन साहिबा, कहाँ मर गई, चल यहाँ। कहो रूबी, तुमने बुलाया? तुम्हारी खबर तो मेरी सहेली लेगी। सासू माँ, पूछिए मेरी सौतन से, जब भी मैं और राजीव एक साथ होते हैं तो ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों करती है? क्योरी सुलेखा की बच्ची, ज्यादा शौक चढ़ रहा है तुझे मेरी सहेली के कमरे की पहरेदारी करने में? माँ जी, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी वहाँ गई थी, आपने ही मुझे रूबी को कॉफी देने को कहा था, फिर मुकर क्यों रही हैं? बहू को अपनी सफाई में बोलता देख गोमती बौखला कर उसे एक चाटा मार कर सास का रौब झाड़ती है। जरा ऐसी ढील क्या छोड़ दी, मेरी बांझ बहुरानी की जुबान कैंची की तरह चल पड़ी है, आइंदा मेरी सहेली के मुँह से तेरी शिकायत सुनने को ना मिले, जा जाकर रात के खाने की तैयारी कर। सुलेखा के लिए ये जुल्म सहना रोज की बात थी, जब उसकी सौतन और सास अपनी सहेली की अटखेलियों के बिचारी बहू पर कहर ढाती, मगर सास रूबी के चेहरे पर चढ़े नकाब को कहां देख पाती थी। आहा, शुक्रिया सासुमा, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरी सबसे पक्की सहेली हैं। मगर बहू, अब बारी तेरी है मेरी बहू की सौतन बनकर दिखाने का, अब जल्दी से अपनी सास सहेली के ख्वाब को पूरा कर दे। सास की आस को दोहराता देखकर सौतन का मुंह फीका पड़ जाता है और वह तलवे रगड़ते हुए मन में बोलती है, ये बुढ़िया एक ही बात पर अड़ गई है, मुझे राजीव से बात करनी ही होगी। उस रात जब राजीव घर आता है तब रूबी कहती है, राजीव अब मैं तुम्हारी बोरिंग माँ और बॉरम बीवी के साथ और नहीं रह सकती, जब देखो बुढ़िया बच्चे की राग लगाए रहती है। रूबी की ऐसी बातें सुनकर दरवाजे पर खड़ी सास के होश उड़ जाते हैं और वह बोलती है, जिस बहू पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया उसे सहेली समझा, उसके दिल में मेरे लिए इतनी खटास है। ये सोचकर सास की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं, तभी सास को इस हालत में देखकर सुलेखा कहती है, क्या हुआ सासुमा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? गोमती फफनते हुए अपनी बहू को सब कुछ बताती है। सुलेखा बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने ताव में आकर इस घर में तेरी सौतन ले आई जो हम सास बहू को बेघर करने की साजिश बुन रही है। सासू माँ संभालिए खुद को, हमें होशियारी से काम लेना होगा। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूबी हॉल में आती है तो उसका सूटकेस दरवाजे पर रखा होता है। ये तो मेरा सूटकेस है, इसे यहाँ किसने रखा? मैंने मेरी सौतन साहिबा, क्योंकि तुम इस घर से जा रही हो। क्या बकवास कर रही हो, शायद तुम भूल गई हो कि सासू माँ खुद गाजे बाजे के साथ मुझे बहू बनाकर लाई है, क्योंकि तुम बांझ थी। मगर अब उस बांझपन के बादल छट गए। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? राजीव, सुलेखा बहू में कोई खोट नहीं, कल डॉक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया कि बहू की फाइल फेर बदल होने के कारण गलतफहमी हुई, जिसका फायदा उठाकर रूबी तुझे हमसे छीनना चाहती थी, मगर भगवान ने ऐसा अंधेर होने से बचा लिया और इसका सहेलीपन का ढोंग मेरी आंखों के सामने आ गया। जाओ रूबी। हाँ जा रही हूँ, वैसे भी तुम जैसे थर्ड क्लास लोग मेरे लायक नहीं हो। आखिर में रूबी अपनी झूठी शान की ऐट दिखाकर वहां से चली जाती है। वहीं सुलेखा के जीवन से सौतन का साया टल जाता है और उसे उसका खोया हुआ मान वापस मिल जाता है। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाकर ही छोड़ती है। ये सुलेखा के खराई का कारण ही था जिससे उसने बिखरे रिश्ते को फिर एक बार बटोर लिया था। जामुन के पेड़ पर चुड़ैल का झूला। मंडा नामक एक गांव था जहां गर्मी में सभी लोग जामुन के पेड़ का कई तरह से लुत्फ उठाते हैं, उसकी छांव में बैठते थे और जामुन को तोड़कर बच्चे क्या बड़े क्या सभी खाया करते थे। जामुन थे इतने अच्छे और इतना ही नहीं, बच्चे उस जामुन के पेड़ पर झूला लगाकर भी झूलते थे क्योंकि वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। तभी दोपहर में 12 साल का टीटू अपने दोस्त सोनू और जोया के साथ उस पेड़ के जामुन तोड़कर खा रहा था। टीटू, सोनू, मेरे लिए भी जामुन तोड़ो ना, तुम्हें पता है मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, क्यों तरस आ रहे हो, दो मुझे भी खाना है। ला रहा हूँ पागल, ऐसा कर मैं डंडे से जामुन की डाली हिलाऊंगा, तू नीचे चुन्नी बिछा ले ताकि जामुन इस पर गिरे। इसकी जितनी है टीटू, तू जमीन पर ही गिरा ले, हम धोकर खाएंगे जामुन। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, जामुन दो, बहुत खाने का मन है। तभी वो बच्चे जामुन तोड़कर एक साथ बैठकर जामुन खाते हैं और कहते हैं, चलो बहुत जामुन खा लिया, अब झूले पर झूलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी झूलूंगी। नहीं पहले मैं।
तभी वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं जिसमें जोया जीत कर सबसे पहले झूले पर झूलती है। तो दोनों लड़के भी चिढ़ते हैं, फिर वो बारी बारी से झूलते हैं। तभी एक बिखरे से बालों वाली औरत जूही झूले को देख कर कहती है, अरे वाह, कितना बड़ा जामुन का पेड़ है और यहाँ तो झूला भी है, मैं तो झूला झूलूंगी। ए उतरो, मुझे भी झूला झूलना है, हटो। हम क्यों हटे, हमारा झूला है, यहाँ हम पहले आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे हटो, मुझे भी जामुन खाना है, मेरा पेड़ है ये और अब मैं ही झूलूंगी यहाँ पर। हट जाओ यहाँ से वरना धक्का मार दूंगी तीनों को। ऐसे कैसे मार दोगी, जबरदस्ती है, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी होकर बच्चों से झूला छीनती हो। देखो तो जामुन खाने हैं, खा लो, लेकिन हम झूला नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे, मैं तो झूला भी झूलूंगी, जामुन भी खाऊंगी और तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी भी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हम रोकेंगे, ईट पत्थर मारेंगे जब पता चलेगा, और अपने पापा को भी बुलाएंगे। टीटू के पापा मुखिया है इस गांव के, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। वो साइको औरत बच्चों से झूला छीनने लगती है, लेकिन बच्चे भी झूला नहीं छोड़ते और टीटू झूले से गिर जाता है। तभी जोया पत्थर उठाकर उसके मारती है, फिर वो दोनों को धक्का मारती है जिससे जोया और टीटू को सिर पर चोट आती है। आह, माँ पापा, इसने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों के तो सिर से खून बह रहा है, चलो घर चलते हैं, इसकी शामत बाद में बनाएंगे। तभी सोनू उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर कहता है, अब खा ले पागल औरत जामुन। ये क्या किया, तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी डाली है ना। अपनी आंखें धोकर वो उसी जामुन के पेड़ पर झूला झूलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे ऐसी हालत में अपने घर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखकर उनके माता पिता बेहद गुस्से में आ जाते हैं और टीटू के पिता राघव कहता है, बेटा ये तेरी हालत किसने की है, जरा मुझे बता और वहां लेकर चल, उन दोनों बच्चों को भी मारा है ना, छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत कैसे हुई उसकी मुखिया के बच्चे को मारने की। पापा वो औरत बहुत पागल है, हम मना कर रहे थे तब भी नहीं मानी वो। अंकल उसको सबक सिखाना, उसने हम तीनों को परेशान किया है, पत्थर भी मारा और झूले से भी उतार के धक्का मारा। चिंता मत करो बच्चों, उसे तो मैं बताऊंगा। केशव हरिया जाओ उस औरत को ढूंढो। तभी दो बच्चे और उनके माता पिता घबरा कर कहते हैं, अंकल हमारे गांव में एक पागल सी औरत आ गई है, उसने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाने दिए और झूले से उतार कर मारा। वो पागल औरत ने देखिए मेरी बेटी के साथ क्या किया है, और जब मैंने उसे समझाया तो उसने मेरे गालों पर नाखून मार दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे तो पागल लगती है, कहीं वो बच्चों को कुछ कर ना दे, उसका इलाज कीजिए। अरे सब गांव वालों को इकट्ठा कर लो, वो पागल औरत जरूर अभी भी जामुन के पेड़ पर ही होगी, उसे जामुन जो पसंद है आज उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो उसी पेड़ पर झूला झूल रही थी। तभी मुखिया कहता है, ए पागल औरत कौन है तू, और तुझे शर्म नहीं आती बच्चों के झूले पर झूलकर। पापा यही है वो पागल आंटी। क्या है तुम लोगों को, इस झूले से उतर और इस गांव से चली जा। तभी जूही जामुन खाकर गुठली मुखिया के मुंह पर थूकती है और सिर खुजाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इस जामुन के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं झूला झूलती हूँ और जामुन भी खाऊंगी, भाग जाओ तुम वरना तुम्हें भी पत्थर मारूंगी। अरे कितनी बेकार औरत है ये, इस पागल को गांव से निकाल दो, और ना माने तो इसी पेड़ पर फांसी पर टांग दो, हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है इसने। तभी दो आदमी उसे झूले से उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें धक्का मारती है। तभी तीन चार आदमी आकर उसके हाथ को बांध देते हैं और सिर पर काला कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका देते हैं। तड़प तड़प कर वो मर जाती है और गांव के लोग अपने घर वापस लौटकर फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जहां उनके बच्चे झूला झूलते हैं, सभी लोग जामुन खाते हैं। लेकिन तभी जूही चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जामुन के पेड़ पर आने वाले बच्चों को एक एक करके कैद कर लेती है और लोगों को मार देती है और कहती है,
मुझे मार दिया ना इन्होंने, तड़पा तड़पा के जामुन नहीं खाने दिया ना, इस झूले पर झूलने दिया, लेकिन अब मैं झूला झूलूंगी और जो भी आएगा उसे मार डालूंगी। तभी वो फिर से झूला झूलने लगती है। अगले दिन झूले पर खाली झूले को झूलते हुए देख कुछ बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाते हैं। फिर सविता और बिरजू वहाँ आकर कहते हैं, अरे बिरजू जी जरा जामुन तोड़ दीजिए, आज तो मेरा भी मन है जामुन खाने का और जोया को तो बहुत पसंद है, जरा उसके लिए भी जामुन तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा जामुन तोड़ूंगा, मुझे इसका जूस भी बनाना है। वो दोनों जैसे ही जामुन तोड़ने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अचानक से आकर उनका गला पकड़कर कहती है, कितने बेहया और बुजदिल हो, जो एक औरत को तुमने फांसी पर लटका दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया सिर्फ जामुन के लिए, तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जामुन खाने दूंगी? नहीं, मरोगी तुम सब। चुड़ैल छोड़ मेरा गला। अरे अरे लगता है ये वापस लौट आई है। चुड़ैल उन दोनों को जमीन पर लेटाकर गर्दन पकड़कर मार डालती है। मरते वक्त बिरजू मिट्टी में उंगली से लिख देता है, वो लौट आई है। कुछ देर बाद उन दोनों की मौत का मुखिया और बाकी लोगों को पता चलता है और बिरजू का लिखा हुआ देखकर वो कहते हैं, अरे भला इन्हें किसने मार दिया और ये क्यों लिखा है कि वो लौट आई है? आखिर कौन है ये, हमें पता लगाना होगा। अरे कुछ बच्चे भी गायब हो गए हैं हमारे और मेरा टीटू भी। अरे मुखिया जी आप परेशान मत होइए, हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। गांव में अचानक से लोगों की मौत होती है और दो तीन बच्चे गायब हो जाते हैं। मुखिया इस बात का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा का सहारा लेता है जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं, आ गई है वो वापस लौट आई है, जिसे तुमने मारा था फांसी पर लटका कर, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, जामुन के पेड़ में उसकी आत्मा बस गई है। तांत्रिक बाबा हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ गांव के बाकी बच्चे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उसका उपाय यही है कि उस जामुन के पेड़ को जला दो, उसके बाद मुझे विधि करनी होगी वहाँ तुम सब की सुरक्षा के लिए। तभी मुखिया हाथ में गंगाजल लिए गायत्री मंत्र का जाप करके उसे पेड़ पर गंगाजल छिड़कता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होती हैं। वो तड़पती है और कैद किए हुए बच्चे उस पेड़ में से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, अरे टीटू मेरा बच्चा आजा मेरे पास, चुड़ैल तू गई आज। मुखिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, छोड़ूंगी नहीं तुझे। उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में तांत्रिक उस पेड़ को जला देता है, तभी चुड़ैल भी भस्म होकर मर जाती है। इसके बाद तांत्रिक वहां उन सब की सुरक्षा के लिए उसी जगह पर पूजा करता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं। गरीब कचरे वाली के घर आया अमीर का रिश्ता। शालू अपनी बेटी सुरभि के साथ एक तंबू लगाकर प्लास्टिक की पन्नी बिछाए बने घर में रहती थी, जो ज्यादा ना छोटा था और ना ज्यादा बड़ा, पर उन दोनों के लिए एक आशियाना था। उनके ऐसे रहने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने गरीब थे। और शालू अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बिना करती थी, लेकिन कम, क्योंकि वो अपनी तरह अपनी बेटी को भी कचरा बिनने वाली औरत नहीं बनाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह अपने टेंट के आसपास से सुरभि कूड़ा कचरा बिन कर इकट्ठा कर लेती है और कहती है, माँ मैंने सारा काम कर दिया, अब आपको आज कचरा बीनने की जरूरत नहीं है, इसके बदले में आज हमारा खाना हो जाएगा। सुरभि बेटा तुझे कितनी बार मना किया है, तू ये सब काम मत किया कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ, मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कर ली, और कितना पढूं, इसके बाद भी पढ़ाई होती है, तू वो भी पढ़, फीस कितनी भी होगी मैं तुझे दूंगी, पर तू पढ़ाई कर बेटा। माँ मेरे बारे में कितना सोचोगी और कब तक ऐसे कचरा बीनती रहोगी, जन्म से लेकर अभी तक आपने मुझे कितने संघर्ष से पाला पोसा है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ माँ, और अब बारी मेरी है, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं नौकरी करूंगी। नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ में आज भी उतनी ही जान है, शेरनी को जन्म दिया है मैंने,
हाँ मेरी प्यारी माँ, ठीक है, मैं अपनी एक सहेली से उसकी कॉलेज की किताब मांग लूंगी, पर कॉलेज नहीं जाऊंगी, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं इधर उधर से कचरा बटोरने जा रही हूँ, तू यहाँ पर अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर शालू एक बोरी के लिए आसपास से कचरा बीनने लगती है, प्लास्टिक को अलग और कागज पन्नियों को अलग अलग। वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान आता है जिससे तंबू उड़ने की फिराक में था। तभी घबराकर सुरभि हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, बचा लीजिए हमें, इतना भयंकर तूफान मत लाइए, वरना हमारा घर भी बिखर जाएगा। इस हवा में एक तंबू ही तो है जिसके अंदर हम माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। तभी हवा जल्दी बंद हो जाती है और सुरभि अपने आसपास की जगह से कचरा उठाकर एक जगह करती है और झाड़ू लगाती है। ये करता देखकर समीर नाम का लड़का गाड़ी में से शीशा नीचे करके उसे निहारता है। वो बार बार अपने जुल्फों को चेहरे से हटा रही थी। हाय, कितनी प्यारी लड़की है यार। अरे क्या हुआ भाई, इस खाली रास्ते पर तूने गाड़ी क्यों रोकी है, बाहर क्या देख रहा है? कुछ नहीं भाई। तभी समीर कार चलाकर थोड़ी आगे ले जाता है और तभी एक छोटा सा पिल्ला उस गाड़ी के पास आने वाला होता है कि सुरभि उसे बचा लेती है। अचानक से गाड़ी रोकने पर समीर फिर से उसे देखता है तो सुरभि कहती है, अरे आपको दिखाई नहीं देता है, एक छोटा सा पप्पी यहाँ पर है, अगर उस पर गाड़ी चला देते तो क्या होता, थोड़ा देख कर चलाया कीजिए। समीर फिर से उसकी आंखों में डूब कर उसे निहारने लगता है। तभी सुरभि चुटकी बजाती है, आप क्या कर रहे हैं, आप जाइए ना। समीर चलना, क्या ताड़ रहा है यहाँ पर। समीर कार चलाकर चला जाता है, अपने घर सोता है तो बार बार उसे सुरभि की छवि ही अपने मन में दिखाई दे रही थी। उसे देखने के लिए उसी रात उसी जगह पर वो जाता है जहाँ वो टेंट के बाहर चूल्हे पर खाना पका रही थी। माँ, मैंने खाना बना लिया है, आप खा लो गरम गरम, वैसे भी ठंडा मौसम है, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा खा रही हूँ, पर तू भी आ जा, तेरे साथ खाऊंगी। माँ मैं आ जाऊंगी। हाय, ये क्या हो रहा है मुझे, सुबह की मुलाकात ने मुझे पागल सा कर दिया है, मैं इतना बेतहाशा हो गया हूँ कि इतनी रात को भी मैं देखने के लिए इसे आ गया। अच्छा अब चलता हूँ वरना माँ डांटेगी। समीर इतना कहकर चला जाता है। दो चार दिन बीतने के बाद समीर उसे देखे बिना रह नहीं पाता। वो रोज अपनी कार दूर खड़ी करके शीशा नीचे करके कार में बैठे बैठे सुरभि को निहारता रहता था, कभी पढ़ाई करते वक्त, कभी बर्तन धोते वक्त, तो कभी पिल्ले के साथ खेलते हुए। एक दो बार सुरभि उसे नोटिस भी करती है कि वो लड़का कार खड़ी करके उसे ही देखता रहता है, तो सुरभि उससे कहती है, आप वही साहब है ना जो उस दिन मेरे पिल्लू पर गाड़ी चढ़ाने वाले थे, आप यहाँ रोज क्या घूमते हैं? वो कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे समीर, इनके पास आते ही मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है। समीर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और वो सुरभि के बारे में ज्यादा सोचने लगता है, उसके बिना रह नहीं पाता, उसे बार बार देखने आता है। फिर एक दिन अपनी माँ कौशल्या को वो सुरभि के बारे में बताता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, तो इस बात पर कौशल्या कहती है, क्या तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है जिसका अपना कोई घर भी नहीं है और वो तंबू में रहती है, तूने उसकी माँ को कचरा बीनते हुए देखा है, तुझे गरीब लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है, तू इस शहर का सबसे अमीर लड़का है और इस लड़की से शादी करेगा ना पहनने ओढ़ने बोलने का ढंग होगा उसे। मां प्लीज, मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ ना, मैं उससे भी उतना ही करने लगा हूँ, वो हमेशा मेरे ख्यालों में आती है, मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। जहाँ तक तौर तरीके की बात है तो हम उसे यहाँ लाकर सब कुछ सिखा देंगे ना यार, प्लीज माँ, मान जाइए ना प्लीज, उसके घर चलिए ना प्लीज एक बार। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी, हम कल ही उस लड़की के घर चलेंगे। कौशल्या बड़े ठाट बाट से तैयार होकर बेशकीमती तोहफा लेकर अपने बेटे के साथ सुरभि के घर की ओर बढ़ती है। शालू कचरा बीन कर हाथ धोकर बैठती है, तभी उन्हें देखकर वो घबरा कर कहती है, हे भगवान, ये हमारे घर पर कौन आ रहा है, कहीं ये हमें यहाँ से तंबू हटाने को ना कह दे, फिर मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, जब देखो अमीर लोग हमें हटा देते हैं तो कभी पुलिस। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे यहाँ से खाली करने को मत बोलना, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अरे अरे एक मिनट, मैं आपको यहाँ से हटाने नहीं आई हूँ, मैं अपने समीर बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ,
मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। नमस्ते जी। हे भगवान, ये तो वही लड़का है जो रोज घूरता था मुझे। क्या मेरी बेटी के लिए रिश्ता? मुझे आप जानती हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, देने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय कुछ रुपयों के। देखिए, इन सब की आप चिंता मत कीजिए, जितने पैसे और शादी से जुड़ा सामान चाहिए वो मैं दूंगी। मेरे इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। सुरभि, तुझे ये रिश्ता पसंद तो है ना बेटा? जी माँ। सुरभि शर्मा कर वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ समीर उसका हाथ पकड़ कर अपने दिल की बात करता है और दोनों माएँ अपने बच्चों की शादी की बात करके दो दिन बाद हल्दी की रस्म रखती है। कौशल्या शगुन की हल्दी लगाकर उसकी नजर उतार कर चली जाती है, जहाँ सभी लोग पीले कपड़े पहनते हैं उसी टेंट और आसपास के पाइपलाइन में जो लोग रहते थे, जिसे सजा कर सुरभि की हल्दी की रस्म पूरी होती है। फिर मेहंदी की रस्म में सभी लोग हरे कलर के कपड़े पहन कर नाच गाना करते हैं। शालू भी आंखों में आंसू लिए गाते हुए कहती है, चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। तभी समीर उसे गुलाब देकर नाचते हुए कहता है, है तू जो आई सच के मेहंदी रच के चल बच के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए हचके ओ सोनिए, जिंद माही वे सोनी सोनी आजा माही वे सोनी सोनी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। कितना प्यार करते हो मुझे इतनी गरीब होने के बाद। आज के बाद दोबारा मत बोलना, कल मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहना। ये रहा तुम्हारा बेशकीमती लहंगा और गहने। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो बेटा। तभी समीर चला जाता है। अगले दिन दोनों बहुत शाही अंदाज में दूल्हा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर सारी रीति रिवाज से शादी करते हैं, जहाँ की अरेंजमेंट काफी रॉयल थी। तभी विदाई के वक्त सुरभि अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। बेटा, जाना तो पड़ेगा, दामाद जी तेरी राह देख रहे हैं। जा, अपना नया संसार बसा। समधन जी, समीर बेटा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ कीजिएगा कि ज्यादा कुछ अच्छे से शादी नहीं कर पाए। अरे समधन जी, ऐसे रोइए मत और शर्मिंदा ना होइए। आपने इतना कीमती हीरा हमें सौंपा है, उसे पढ़ाया लिखाया है, यही हमारे लिए काफी है। दहेज जैसी चीजों को हम नहीं मानते। हाँ मम्मी जी, आप मुझे अपना बेटा मानती है ना? हाँ बेटा। तो मेरी एक बात मानिएगा, मैं आपको एक छोटा सा घर देना चाहता हूँ, जहाँ आप आराम से रहेंगी, ना कि इस तंबू में। यहाँ आपको ठंड लगती होगी ना, प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद फूल से सजी वाली कार में बैठकर सुरभि अपने पति के साथ अपने आलिशान ससुराल में चली जाती है। ये देखकर शालू की आंखें भर आती है और वो दोनों अच्छे से नई जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ सुरभि अमीर तौर तरीके सीखती है और समीर शालू को रहने के लिए नया घर देता है। नैना और गीतिका के कदम अचानक एक 5 सितारा होटल के बाहर थम गए, जहाँ टेबल पर बैठे सैकड़ों अमीर लोगों की टुकड़ी बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दूर खड़ी दोनों बहनें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी। अरे वाह, ये जगह तो किसी खाने खजाने से कम नहीं। यहाँ पर तो खाने को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और भी कितना कुछ है। चलो ना दीदी, हम भी चलकर खाते हैं। नहीं नैना, हम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाते हैं। अपनी बहन की ये बात सुनकर 9 साल की नैना के मुंह पर गरीबी की मलिनता छा जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर छिटक पड़ती है, जहाँ एक अमीर परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। बस अम्मा, मेरा पेट भर गया, अब मैं ये पिज्जा और नहीं खा सकती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, प्रेशराइज मत हो, ये पिज्जा प्लेट में छोड़ दो। चलो अब हम घर चलते हैं। उनके जाते ही टेबल के प्लेट में बचे खुचे पिज्जा के टुकड़े को देख नैना की बुझी हुई आस वापस से उजागर हो जाती है और अमीर वाला खाना खाने की ललक में वो झट से उस पिज्जा पर लपक पड़ती है। तभी गीतिका उससे वो प्लेट छीनते हुए कहती है, नैना इसे मत खाओ, ये उन लोगों का झूठा खाना है। दीदी, घर का प्याज रोटी खाकर मेरा मन फीका हो गया है, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया, झूठा ही सही। आज मैं पिज्जा का स्वाद चख तो लूंगी, क्योंकि माँ तो हमें अमीरों वाला खाना खिलाने से रही। ऐसा कहकर नैना अमीरों की छोड़ी हुई जूठन चाव से काट काट कर खाने लगती है।
और कुछ देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां गीतिका अपनी माँ को होटल में हुआ सारा वाक्य बताती है, जिसे सुनकर गंगा नैना को एक थप्पड़ मारकर कहती है, नैना क्यों खाया वो झूठा खाना तूने? क्योंकि दिन रात ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खा खा कर मेरा गला छिल गया है। क्या फायदा आपके खटने का माँ, जो आज तक आप हमें कभी अमीरों वाला खाना भी नहीं खिला सकी, बस जब देखो गरीबी का दुखड़ा सुनाती रहती हो। अरे इतना फीका खाना तो गली गुच्छी के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में नैना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सो जाती है, और देर रात जागती हुई गंगा चौखट पर चुपचाप बैठी थी। एकाएक उसके मन की कुढ़न कुड़कुड़ाहट में बदल गई और वो खुद से बोल पड़ी, और कितना दुख भोगना बाकी रह गया है ऊपर वाले, क्यों मेरी दर्द बाधा तुझे दिखाई नहीं दे रही? दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कभी मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में मैं गरीब माँ अपनी पांचों बेटियों का पेट भर पाने में असमर्थ हो जाती हूँ, फिर कैसे खिलाऊं मैं उन्हें अमीरों वाला खाना? उस पल छिन गंगा का मन टूटकर बिखर गया था, मगर संघर्ष कहाँ उसका साथ छोड़ने वाली थी। अगली सुबह 5 साल की पारुल अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहती है, माँ देखो ना ये रोटी कैसे अकड़ गई है, मैं क्या खाऊं? पारुल ला ये रोटी मुझे दे, मैं खा लूंगी, तू ये चावल खा ले, अब खुश? गीतिका पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो गरीबी की गहराई और अपनी माँ की मजबूरी सरलता से समझती थी। वो मर्म लहजे से पारुल को उलझाने की कोशिश करती है, मगर पारुल हाथ छटक कर हट पर अड़ जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये रात का भात नहीं खाऊंगी। माँ मेरी सहेली रूबी के घर रोज रहीजो वाला खाना बनता है, कल वो चौखट पर बैठकर बड़े चाव से पुलाव खा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी, आज मुझे भी पुलाव खाना है। पारुल माँ के पास पुलाव बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो है यही खा ले, देख मैं और गीतिका दीदी ये रोटी खाकर दिखाते हैं। फिर सिया और गीतिका पारुल का मन फिराने के लिए उस अकड़ी हुई बासी रोटी को काट काट कर खाती हुई झूठी वाहवाही करने लगती है, अरे वाह ये रोटी तो मुंह में मिश्री के जैसे घुल मिल गई, लो पारुल तुम भी खाकर देखो। फिर पारुल अपनी बहनों के साथ रात के उस बासी खाने को खाने लगती है। ये मंजर देखकर गंगा अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होती है, गीतिका बेटी मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। गंगा को घर से जाते देख 2 साल की नन्ही मुनिया उसे सड़ जाती है। गंगा उसे सहलाते हुए गीतिका की गोद में देखकर काम पर निकल जाती है। वो रूपचंद की कोठी में साफ सफाई किया करती थी, बदले में जो 4 पैसे आते थे उससे ही घर का चूल्हा जलता था। उस दिन रूपचंद के घर में जोरों शोरों से सजावट चल रही थी, जिसे देखकर गंगा झिझकते हुए पूछती है, क्या बात है साहब जी, इतनी साजबाज कुछ खास है क्या? हाँ गंगा, कल मेरी बिटिया विदेश से लौट कर आ रही है, बस उसी के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा सुन, कल की दावत में अगर तू मेहमान नवाजी करना चाहती है तो देख ले, मैं वेटर के बदले के पैसे तुझे दे दूंगा। ये सुनकर गंगा के टूटे मन में उम्मीद रोशन हो उठती है, अगर कल थोड़ा ज्यादा काम करके मैं अपनी बेटियों की आंखों में बसे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी तो मुझे ये मंजूर है। गंगा फौरन से हामी भर देती है और अगली सुबह गीतिका को लेकर काम पर जाने लगती है। तभी नैना उसे टोकती है, माँ तुम गीतिका दीदी को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? बिटिया आज साहब जी के घर में दावत है, हमें वहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है, बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे हम तुम चारों के लिए अमीरों वाला खाना लेकर आएंगी। फिर जैसे ही गंगा गीतिका को लेकर निकलती है, नैना फुसफुसाती है, सिया पारुल यहाँ बैठकर माँ की बात जोड़ने का कोई फायदा नहीं, वो आज फिर हमें गया गुजरा गरीबों वाला खाना ही खिलाएंगी। क्यों ना हम चारों चोरी छुपे दावत में चलकर किसी टेबल के नीचे छुपकर खूब सारा अमीरों वाला खाना खाएं? हाँ चलो चलो दीदी। सिया और पारुल अमीरों वाले खाने के लुत्फ उठाने के ललक में नैना की लालच भरी बातों में आकर पार्टी में पहुंचकर बहुत सारा खाना देखकर प्लेटों में खचाखच खाना भरकर टेबल के नीचे छिप जाती हैं। तभी अमीर गरीब के फर्क फासले से अनजान 2 साल की मुनिया बिलखते हुए टेबल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रूपचंद की बेटी रोजी अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, यक ये मैली कुचैली बच्ची इस पार्टी में कहां से घुस आई, और ये टेबल के नीचे कैसी फुसफुसाहट है, बाहर निकलो, कौन है अंदर? तीनों बहनें थरथराई हुई बाहर निकल आती है, डर के मारे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। तभी रूपचंद और गंगा भी वहां आ जाती है। अरे गंगा
ये तेरी बेटी है। क्यों रे गंगा, यही सिखाया है तूने अपनी बेटियों को, अमीरों की पार्टी में घुसकर खाना चुराना? नहीं मेम साहब, माँ का कोई कसूर नहीं है, हम अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में यहाँ चले आए क्योंकि हमने कभी अमीरों वाला खाना नहीं खाया। माँ जो कमाती है उससे हम कभी गीले चावल खाते हैं, तो कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटते हैं, और कभी कभी तो पानी पीकर पेट भरते हैं। पारुल के नन्हे से जुबान से गरीबी की गंभीरता देखकर पार्टी में मौजूद हर अमीर का कलेजा पसीज पड़ता है, जिसके बाद रूपचंद आगे बढ़कर पारुल के आंसू पोंछते हुए कहता है, बिटिया आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन चाहे खाओ। क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कुछ भी? हाँ बेटिया, जो मन चाहे खाओ। ये सुनकर गंगा की गरीब बेटियों का फीका चेहरा फौरन चमक उठता है। उस रोज उन्हें सब कुछ खाने को मिलता है जिसका ख्वाब वो अरसों से देख रही थी। ये देखकर गंगा हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया साहब जी, आज आपने मुझ गरीब की बेटियों को अपने इस ऊंचे समाज में अमीरों वाला खाना खाने की इजाजत देकर मुझ गरीब माँ का मान बढ़ाया है। गंगा, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज गरीबी की झलक ने रूपचंद को झकझोर कर रख दिया है। हमारे खाने की मेज से न जाने कितना खाना कचरे का कौर बनता है। अब ये भूल भविष्य में नहीं होगी। अब से मेरे घर का बचा खाना तुम अपनी बेटियों के लिए बांध कर ले जाना। इससे अन्न का अनादर भी नहीं होगा और उन्हें भी अच्छे खाने के लिए ललकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से गंगा के घर में खाने को लेकर कोई भी खिटपिट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो ख्वाब मुकम्मल हो गया। उन्हें रईसों की महफिल में ठाट से बैठकर अमीरों वाला खाना खाने का मौका जो मिला था,